नमस्कार। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक होने से माहौल काफी गरमाया हुआ है। इस घटना के बाद से ही नेताओं से लेकर बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियां भी इस पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही हैं। हाल ही में जहां कंगना रनौत ने पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर गुस्सा जाहिर करते हुए इसे शर्मनाक बताया था, तो वहीं बॉलीवुड एक्टर और मोदी के समर्थक माने जाने वाले अनुपम खेर ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे कायरता की निशानी बताया है। अनुपम खेर ने इस घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए लिखा, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सिक्योरिटी के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो पंजाब पुलिस और सरकार के लिए अफसोसजनक और शर्मनाक था। इस मामले में देश के प्रधानमंत्री के प्रति कुछ लोगों की नफरत उनकी कायरता की निशानी है, पर याद रखिए, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। वही अनुपम खेर के अलावा उनकी पत्नी और बीजेपी सांसद किरण खेर ने भी इस घटना पर नाराजगी जाहिर की और लिखा, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में हैरान करने वाली चूक, इस चूक की निंदा और गहन चर्चा होनी चाहिए। बता दें, कृषि कानून रद्द होने के बाद पीएम मोदी का ये पंजाब का पहला दौरा था जब वो वहां के लोगों को संबोधित करते। इस रैली में पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी शामिल होना था। बता दें, बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंजाब के फिरोजपुर में रैली करनी थी, हालांकि कुछ प्रदर्शनकारी किसानों ने उस रास्ते को जाम कर दिया जिससे पीएम मोदी का काफिला गुजर रहा था। इसकी वजह से पीएम मोदी 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे और बाद में उनकी रैली को रद्द करना पड़ा। गृह मंत्रालय ने इसे पीएम की सुरक्षा में चूक बताते हुए पंजाब सरकार से इस पर रिपोर्ट मांगी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई इस सेंधमारी की जांच के लिए अब चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने हाई लेवल कमेटी गठित की है। खबरों की माने तो ये कमेटी अगले 3 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।